6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में आम्बेडकर अनुयायियों ने नागपुर के दीक्षा भूमि और संविधान चौक स्थित बाबा साहब के पुतले पर माल्यार्पण करके अभिवादन किया और बुद्ध वंदना करके बाबा साहब को आदरांजलि दी। सर्वप्रथम तर मी विदर्भ की बातवाल्यांचे फार आभारी आहे की त्यांनी मला हा मौका दिलेला आहे। आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची पुण्यतिथी आहे। 1956 साली बाबासाहेब आम्हा सर्वांना इथून सोडून गेले, परंतु या देशाला त्यांनी एवढा मोठा ग्रंथ दिलेला आहे ज्याचं नाव आहे भारतीय संविधान। आज राज्यघटनेमध्ये चाहे तो मुख्यमंत्री असो की पंतप्रधान असो की राष्ट्रपती असो, त्या घटनेच्या शिवाय शपथ घेतल्याशिवाय तो या देशाचा नागरिकही होऊ शकत नाही। तर आज चैत्यभूमी आणि नागपूरमध्ये जो बाबासाहेबांना आदरांजली वाहायला आलेले आहेत लोक, याच्यावरून आपल्याला कळते की बाबासाहेबांना समजणारे आणि बाबासाहेबांनी जान ठेवणारे हे दलित जनता कशी बाबासाहेबांची पायिक आहे। म्हणून फक्त दुःख एकाच गोष्टीचं आहे की जरी भारतीय संविधान एका दलिताने बनवलं, एक बाबासाहेब आंबेडकरांनी बनवलं, परंतु आज उच्च न्यायालय आणि खंडपीठा उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये बोटावर मोजण्यालायक एक आपले न्यायमूर्ती आहेत। मी आपल्या माध्यमांच्याद्वारे एक विनंती करतो आणि एक आपल्याला आवाहन करतो की जास्तीत जास्त आपल्या माध्यमातून राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांना ही बातमी गेली पाहिजे की आमच्या अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लोकांना त्यांनी न्यायपालिकेमध्ये घ्यायला पाहिजे, तेव्हाच आजच्या दिवसाचा आम्हाला औचित्य माहीत पडेल। एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द पूर्ण करतो। जय भीम। 65वें महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में यहाँ बाबा साहब को नमन करने के लिए सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग की ओर से मैं डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड़, मेरे साथ में बाबा साहब देशमुख जो असिस्टेंट कमिश्नर नागपुर में है, हमारे जिला समाज कल्याण अधिकारी भोयर साहब भी है, और इन सभी के द्वारा हम यहाँ अभिवादन करने आए हैं। बाबा साहब ने जो जहाँ जहाँ बाबा साहब का पैर गया है, जहाँ जहाँ बाबा साहब ने संघर्ष की नींव रखी है, उन सभी जगहों पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सामाजिक न्याय मंत्रालय की ओर से आज सभी जगह बाबा साहब को अभिवादन करने के कार्यक्रम हो रहे हैं। और एक संकल्प भी सामाजिक न्याय विभाग ने किया है कि बाबा साहब के इस महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में जो जो बच्चे जो स्कॉलरशिप पहले से लेते हैं, उन सभी को कास्ट सर्टिफिकेट का आज से वितरण का शुभारंभ सामाजिक न्याय विभाग ने इस तरह से अभिवादन करके किया। जिस तरह से बाबा साहब ने समाज के हर दबे कुचले वर्ग के लिए और जो आखिरी इंसान था उसके हक के लिए जो संघर्ष किया है, जो चाहे शिक्षा हो, सामाजिक बराबरी का हो, बंधुभाव का हो, समानता का हो, उस संघर्ष को बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से सभी लोगों की तरफ पहुंचाया है। उस बाबा साहब ने जो विचार रखा है, समतावादी विचार, उस समतावादी विचार को, मानवतावादी विचार को हर आदमी तक पहुंचाने का कार्य सामाजिक न्याय विभाग करता है। और जो बाबा साहब ने जो रास्ता समानता का बताया है, भाईचारा का बताया है, उस रास्ते पर चलकर जो अपने दिल दिमाग में समतामूलक समाज का निर्माण करने के लिए आगे आया है, उस बाबा साहब को विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम सामाजिक न्याय विभाग कर रहा है। और मेरी विनती है आज इस महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में जो बाबा साहब ने रास्ता हमें दिखाया है, इंसानियत का रास्ता जो दिखाया है, भाईचारे का रास्ता दिखाया है, उस रास्ते को हम चलकर बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य हमें सबने करना चाहिए, यही मेरा संदेश है। धन्यवाद।